जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 सेकंड की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है इसको नहीं बढ़ाता है। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये नैरोबी के अंदर के जो है अवस्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक संरचना में हानिकारक, अवांछनीय अथवा प्रदूषक पदार्थों के मिल जाने के कारण होने वाले घातक परिवर्तन को कहते हैं, तो उसको जो हम प्रदूषण कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियों, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो स्वाभाविक है, ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबीय ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? जो सही है वो अपने को बताना। तो देखिए, ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फीय टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होती है। सही है, यह ग्लोबीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। सही है, विश्व के समस्त मुंगे द्वीप डूब जाएंगे। ये भी सही है, यह संभावना है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इस वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। सही है, तो सभी जो है अपने सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव के कारण हैं? तो देखिए दोस्तों, औद्योगिकरण, वनों का विनाश, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर का प्रयोग, ये सभी जो है हरित गृह प्रभाव के कारण हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो देखिए, CO2, CH4 और CFC, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस के प्रभाव हैं, तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बाढ़ आना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ रहा है जिससे ध्रुवीय पेटियां और ग्लेशियर के पिघलने से समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी हुई, तो सभी जो है सही हो जाएंगे। ग्रीन हाउस कम करने के उपाय हैं, तो कैसे कम किया जा सकता है? तो देखिए, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके सही है, अधिकाधिक वृक्षारोपण करना सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग को रोकना यह भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ जो है दो कथन दे रखे हैं, उनको अपने को देखना है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणु रासायनिक प्लस O2 प्लस O रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर ओजोन का निर्माण करते हैं। सही है, ओजोन समता मंडल में पाई जाती है। ओजोन नीले रंग की गैस होती है तथा O3 हानिकारक प्राविग्नि किरणों को अवशोषित करके उससे होने वाले हानिकारक से हमें बचाती है। दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ओजोन परत को क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये जो है दोस्तों, CFC, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड सभी के कारण होता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो यह तो जो है दोस्तों रियो के अंतर्गत किया था, ब्राज़ील में। हरित विकास का लेखक है? तो हरित विकास अर्थात ग्रीन डेवलपमेंट जो है इसके लेखक है WMF। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NIRI जिसे हम कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है दोस्तों नागपुर के अंतर्गत स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये जो है दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो ये जो है दोस्तों 78% होती है। पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटकों, भूआकृतिक घटकों और अजैविक घटकों से मिलकर जो है पर्यावरण बनता है। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ वापस कुछ कथन दिए गए हैं, अपने को बताना कि कौन से गलत या सही है। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ, सही है। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकाय को कम करने के संबंधित है, सही है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभाव होती है, ये गलत है। तो 1 और 2 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ये जो है दोस्तों, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ही इसका प्रभाव है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ वापस कुछ कथन दिए गए हैं। ओजोन परत में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें ओजोन छिद्र में उत्तरदायी रसायनों में कटौती हेतु विभिन्न राष्ट्रों की सहमति ली गई, सही है। अम्लीय वर्षा NO2 व SO2 के कारण होती है, ये भी सही है। अम्लीय वर्षा के कारण मृदा व जल की अम्लीयता में वृद्धि होती है जिससे उर्वरता कम हो जाती है, ये भी सही है। अम्लीय वर्षा के कारण ऐतिहासिक इमारतों का क्षरण होता है, तो ये सभी जो है सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है अपना राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का परिणाम है?
तो देखिए, अम्लीय वर्षा के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है एवं फेफड़ों तथा श्वसन संबंधी रोग होते हैं। सही है, अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में अम्लीय वर्षा को लेक किलर कहा जाता है क्योंकि इससे अधिकांश जिलों के जैविक समूह नष्ट हो जाते हैं। यह भी सही है, अम्लीय वर्षा धातु, पत्थर, रबड़, चमड़ा, प्लास्टिक, कागज आदि से बनी हुई वस्तुओं को नष्ट कर देती है। यह भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ दो सूचियाँ दे रखी हैं और इनको जो है अपने को सुमेलित करना। विश्व जैव विविधता दिवस ये है दोस्तों 1-22 मार्च, फिर विश्व मृदा दिवस ये है 18 अप्रैल को, फिर है विश्व पृथ्वी दिवस ये हो जाएगा 22 मई को, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और विश्व धरोहर दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। अब वापस यहाँ पे जो है इनको सुमेलित करना है, तो देखिए WWF इसका मुख्यालय है ग्लेंड स्विट्जरलैंड में, IPCC स्विट्जरलैंड में, ग्रीन पीस ये है एमस्टरडम में, और UNEP का जो है नैरोबी केन्या के अंतर्गत मुख्यालय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, EPA का पूर्ण रूप है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है इसका पूर्ण रूप होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये जेनेवा के अंतर्गत जो है अवस्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां या प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सके, तो वो स्वच्छ विकास युक्ति के अंतर्गत जो है आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है, तो ये संसाधनों के जो है संरक्षण से है इसका संबंध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, जो सही या गलत है वो अपने को बताना है। वायुमंडल में हानिकारक वायु प्रदूषक पदार्थों के मिल जाने के कारण वायु की संरचना प्रभावित होती है, जिससे वायु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, यही क्रिया वायु प्रदूषण कहलाती है। सही है, वायु प्रदूषक 3 प्रकार के होते हैं, गैसीय वायु प्रदूषक, कणिकीय वायु प्रदूषक और गुलित कणीय पदार्थ। ये भी सही है, स्वचालित वाहनों से निकलने वाले धुएं से, फैक्ट्री के धुएं से, कोयले के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन बनती है, जिससे रक्त में O2 वहन की क्षमता घट जाती है, अतः RBC में O2 की कमी आ जाती है, जिससे एक रोग हो जाता है जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। ये भी सही है, और सल्फर के ऑक्साइड धूम, कोहरा व अम्लीय वर्षा उत्पन्न करते हैं, जिन क्षेत्रों में SO2 का प्रदूषण होता है उन क्षेत्रों में लाइकेन व मांस वृद्धि नहीं करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी जो है अपने सही हो जाएंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब ध्वनि की तीव्रता 80 डेसिबल से अधिक हो तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। सही है, ध्वनि प्रदूषण के कारण बेचैनी, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, उत्तेजना, क्रोध में वृद्धि, अल्सर रोग, हृदय रोग, उच्च दाब आदि विकार उत्पन्न होते हैं। यह भी सही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शहरों के लिए 45 डेसिबल को ध्वनि की सुरक्षित स्तर माना। यह भी सही है, और IPCC की धारा 268 व 290 में ध्वनि प्रदूषण को से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। यह भी सही हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 सभी जो है अपने सही हो जाएंगे। जल प्रदूषण के तत्व हैं, तो देखिए घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट और रेडियोधर्मी पदार्थ जो है जल प्रदूषण के तत्व हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण बचाव के उपाय हैं, तो देखिए मृत पशुओं के शवों को नदी में विसर्जन पर पूर्ण रोक लगा दी जाए, वह विद्युत शव गृह स्थापित किया जाए। सही है, औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल को उपचारित कर उसे पुनः उपयोग में लिया जाए तथा सभी नगरों में जल मल के निस्तारण के लिए सीवर संशोधन संयंत्र स्थापित किया जाए। यह भी सही है, रासायनिक कृषि की जगह जैविक खाद की कृषि को प्रोत्साहित किया जाए। यह भी सही है, तो सभी जो है अपने सही हो जाएंगे। अब है लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब वापस यहाँ भी जो है कथन दे रखे हैं, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं से मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास को मृदा प्रदूषण कहते हैं। सही है, आणविक विखंडन के फलस्वरूप अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों के स्वतः उत्पन्न होने को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, तो वहीं प्राकृतिक स्रोतों के अतिरिक्त मानव द्वारा भू विकिरण उत्पन्न किए जाते हैं जो ज़्यादा घातक है। सही है, मृदा प्रदूषण से समस्त भूमंडल पर रहने वाले जीवों पर इसका बुरा असर पड़ता है, भारी धातुएं खानों से मृदा में मिल जाती हैं जो पौधों के साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए भी हानिकारक होती हैं। सही है, और रेडियो एक्टिव
विकिरणों को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, यह भी जो है सही है, तो सभी जो है अपने सही हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब कल हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत का भूगोल एवं संसाधन। धन्यवाद।